Hello friends, my name is Tehsin Javed and you are watching TJ Styles channel. In this video we are going to discuss about the buyer's request. Alright, so main isko pura introduce karwaunga ki kis tarike se ye buyer request hota kya hai. Ye sari wo request hoti hain jo buyers yani ke wo log jo kaam karwana chahte hain wo un logo ke paas request send kar dete hain ke jo kaam karna chahte hain. For example, main graphic designer hoon और मैंने यहाँ पे अपनी जो gigs जितनी भी मौजूद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी graphic designing के ऊपर है. Alright, just like design business graphics हो गई, creative cartoon हो गए और design nice logo हो गया और motion graphics. तो ये सारी मेरी graphics से related है. तो buyers request में मेरे पास जितनी भी offers आएंगी जो buyers मेरे तक या मुझ जैसों तक forward करेगा वो request होंगी जो वो करवाना चाहता है. यानी कि डिजाइनिंग करवाना चाहता है, किस पे करवाना चाहता है वो पूरा डिस्क्राइब करेगा. प्लस उसके अंदर उसके प्राइस भी होगी, उसका बजट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि वो उसके पास कितना बजट है, यानी कि $5 के अंदर वो करवाना चाहता है या $10 में करवाना चाहता है, $15 में, $20 में, $100 तक का भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है. तो कितने तक वो अपना बायर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है कि वो कितना बजट वो अपना अफोर्ड कर सकता है, उसके साथ साथ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे मौजूद होती है कि वो किस तरीके का चाहता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्टून होना चाहिए. कभी कभी वो सोर्स फाइल भी भेज देते हैं, यानी कि अपना आर्ट वर्क भेज देते हैं, इमेज भेज देते हैं क्या उसको किस तरीके का चाहिए. तो बेसिकली बायर रिक्वेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक हिस्सा है फाइवर का, जहाँ से हम लोग अपनी जो ऑफर्स हैं कि हम आप $10 में करवाना चाह रहे हो हम $5 में करेंगे, आप $5 में करवाना चाह रहे हो हम $4 में करेंगे. तो इस तरीके की रिक्वेस्ट जो होती हैं बायर रिक्वेस्ट को हम रिप्लाई जब करते हैं, ये देखें सेंड ऑफर्स, जब हम उसको अगेन अपनी ऑफर सेंड करते हैं तो हम इस मदद से कर सकते हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है फाइवर का, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं उनके कस्टमर्स से, यानी फाइवर के कस्टमर्स से, और उनको अपनी ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट तकरीबन 31 यहाँ पे मैंने ऑफर्स जो है अपने इनके कस्टमर को सेंड की हुई है, जिसके अंदर मैंने उनका ये हमारे पर रिक्वायरमेंट थी, ये इनकी रिक्वायरमेंट थी, ये पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें प्रोवाइड की थी कि मुझे इस तरीके का चाहिए, उसके साथ साथ इन्होंने ये सोर्स फाइल भी मुझे सेंड की थी. ओके, तो मैंने यहाँ पे इनको रिप्लाई किया कि मैं आई थिंक यू शुड मूव अहेड. मैंने इसको थोड़ी अपनी जो लॉजिक्स हैं जो मैं कर सकता हूँ बेहतर आपके डिज़ाइन के लिए, वो मैंने इनको डिस्क्राइब किया. उसके साथ साथ मैंने बोला कि मैं 2 दिन के अंदर आपको ये डिज़ाइन जो है प्रोसीड यानी बना सकता हूँ, आपको वापस सेंड कर सकता हूँ. उसके अलावा $10 में इनको प्राइस किया था, जबकि इनका बजट था वो $15 का था. तो इस तरीके से आप अपने ऑफर सेंड कर सकते हैं. मेक श्योर आपका स्टार्टअप लेवल है तो मेक श्योर आपने इनको कम पैसों में ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे की हुई है. मैंने इनको बोला था कि मैं अनलिमिटेड डिज़ाइंस जो है वो सेंड करूँगा, कि आप अनलिमिटेड उसके अंदर रिविजन्स करवा सकते हो. ऑलराइट, प्लस उसके साथ वो सोर्स फाइल वगैरह, वेक्टर, हाई ग्राफिक्स वेक्टर क्वालिटी और उसकी जो फाइल्स होती हैं वो सेंड करूँगा उसके साथ साथ, मतलब प्रायोरिटी में रखूँगा आपको. तो इस तरीके से मैंने इनको थोड़ी सी एडवांटेज दी थी, जो कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे वो नहीं देते, या देते हैं तो बहुत कम देते हैं. तो इस तरीके से आपने उसकी वजह क्या है कि हमारा जो फाइवर पूरा एक नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे एक प्रोफेशनल डेवलपर्स, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स और प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स मौजूद होते हैं ऑलरेडी. यू नो व्हाट, अगर आप भी कोई काम करवाना चाहोगे तो मेक श्योर आप ये कंसीडर करोगे जो कम से कम प्राइस दे, प्लस वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें, और उसके साथ साथ उसका जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा हो. जब आप न्यू जाते हो वहाँ पर तो आपको कस्टमर्स को कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करना पड़ता है जिसकी बुनियाद पर वो आपको सिलेक्ट करे, यानी कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड कोई नहीं है क्योंकि आप न्यू हो फाइवर पे. ऑलराइट, लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो स्किल्स हैं जो आप उसको सर्विसेज ऑफर्स करोगे, वो सर्विसेज जो आपको कोई ऑफर नहीं करेगा,
वो सर्विस अगर आप उसको ऑफर करते हो तो मेक श्योर वो कंसीडर जरूर करेगा आपकी प्रोफाइल देखने पे। और अगर आपको आपकी प्रोफाइल उसको पसंद आई, आपके गिग्स उसको पसंद आए, तो वो लोग ऑर्डर जरूर करेंगे आपको। ऑलराइट, सो तो आज मैंने आपको दो ट्रिक्स प्रोवाइड की हैं। फर्स्ट ट्रिक इज, जब भी आपने अपने गिग्स बनानी है, जब भी इनको ऑफर्स करना है, मेक श्योर आपने अपने पूरी जो है वो अपना जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अप्स एंड डाउन्स आपने जरूर देखने के, वो क्या सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है, और उस सर्विस से आधी या प्राइस में कम और अच्छी से अच्छी सर्विसेज आपने उनको उनको ऑफर्स करनी है। सेकंड ट्रिक है कि आपने जो है उनको मनी बैक गारंटी की भी ऑफर करनी है। ऑलराइट, ये जरूरी नहीं है, लेकिन दिस मोर बेनिफिशियल टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स, क्योंकि उनको पता होगा, क्योंकि जब फाइवर्स के ऊपर डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स जब आते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर प्रोग्रामर और हर डिजाइनर एक अच्छा ही काम प्रेजेंट करे। बहुत से ऐसे डेवलपर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं, ऐसे डिजाइनर्स होते हैं कि जो अपने कस्टमर्स को एकदम रूट करके चले जाते हैं, उनको इतना अच्छा डिलीवर नहीं करते जो वो एक्सपेक्ट करते हैं फाइवर से। तो इसकी बुनियाद पर जो कस्टमर्स हैं, मोस्टली एक प्रोफेशनल डेवलपर्स को कि जो फाइवर पे ऑलरेडी एक्टिव हो, उनको प्रेफर करते हैं। तो उनसे हमें बचने के लिए, ताकि हम उनकी उस सोच से बचें कि कहीं हमारे पैसे ना जाया चले, हमारा टाइम ना जाया चले जाए, तो बहुत से मैंने ऐसे फाइवर्स पे काम करने वाले देखे हैं कि जो उनको मनी बैक गारंटी की ऑफर करते हैं, और दैट रियली वर्क्स फॉर देम। ऑलराइट, सो इनिशियल लेवल पे आपको यहाँ तक आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर आपको बहुत ही जल्द एक अच्छा फाइवर पे काम करना शुरू करना है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। ऑलराइट, सो अगेन हम इसको क्या ऑफर कर सकते हैं, हाँ, थर्ड एंड द लास्ट ट्रिक फॉर दिस वीडियो, कि आपने हमेशा फाइवर के बारे में सर्च आउट जरूर करना है, फिर चाहे वो गूगल पर हो या फिर आपने यूट्यूब का सहारा लेना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 2017 में फाइवर ने अपने एल्गोरिदम चेंजेस किए थे। जहाँ तक मैंने जो सर्चेस की हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि फाइवर ने 2017 में अपने एल्गोरिदम्स चेंज किए थे, जिसकी बुनियाद में उनको उन्होंने प्रेफर किया था अपने बायर्स को, यानी कि वो जो ऑफर्स ऑफ जो अपनी सर्विसेज करवाना चाहते हैं, यानी कि जो खरीदना चाहते हैं हमारी सर्विसेज, उनको उन्होंने प्रेफर किया था, और उस बुनियाद पे जो सेलर्स हैं उनकी मार्केटिंग लेवल कम हो गया था। तो मेक श्योर आपने उसके जिस तरह उनके एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं, तो आपने अपनी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज सर्च आउट करनी है कि आप कैसे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, एंड थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड आई विल टॉक अबाउट द लेटर, एंड जब की अपकमिंग कोई फाइवर के ऊपर इन्फॉर्मेशन आएगी और कोई भी ट्रिक्स न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे, ये जो ओल्ड ट्रिक्स हैं जो अब तक काम कर रही हैं, वो आपके इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।